मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम साइंस क्लास 8 के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका चैप्टर्स का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ये सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को हम डिस्कस करेंगे। दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे, और टाइमली आप लोग वीडियो को देख सकेंगे और अपने क्लासेस को कंडक्ट करके नोट्स वगैरह टाइमली बना सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर्स में हम मेन टॉपिक जो है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज़ फाइबर्स, फाइबर क्या है, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और मैनमेड फाइबर्स, एंड हमें जो है सिंथेटिक फाइबर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, और इसमें जो है सिंथेटिक फाइबर्स में रेयान एंड नाइलॉन होते हैं, तो रेयान कैसे जो है हम इसको बनाते हैं और इसे क्या क्या चीज़ें हम बनाते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये हम देखेंगे। और दूसरा नाइलॉन जो है कैसे बनता है, इसका क्या प्रॉपर्टी है और इसका क्या एडवांटेज है, हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इतनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों के बुक से एक बार रीड आउट करके समझाता हूँ, आप लोग बुक को साथ में रख लीजिएगा। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, जैसा कि जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक्स का बना होता है, एंड फैब्रिक्स आर मेड फ्राम फाइबर्स ऑब्टेंड फ्राम नेचुरल आर आर्टिफिशियल सोर्सेस। ये नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेस से बने होते हैं। देखिए, जो भी हम कपड़ा पहनते हैं वो जो है आपका फैब्रिक्स का होता है, ठीक है? और ये फैब्रिक्स किस चीज़ से जो है ये बनता है, ये फैब्रिक्स जो है फाइबर्स से जो है बनते हैं, ठीक है? जो कि ये फाइबर्स जो है हमें नेचुरल सोर्सेस से भी मिलता है और आर्टिफिशियल सोर्सेस से भी मिलता है, ठीक है? कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, मतलब कि घर के बहुत सारे सामानों को बनाने में भी जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्राम फाइबर्स, ट्राई टू सेपरेट देम इंटू दोज मेड फ्राम द नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्राम आर्टिफिशियल फाइबर्स, मेक इंटरेस्टिंग टेबल। तो ये जो है आप लोग कर लीजिएगा, उसमें अभी हम आगे डिस्कस करके जो है सब बता देंगे। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? तो आर्टिफिशियल और अभी नेचुरल जो है हम देखेंगे। जैसे कि ये नेचुरल फाइबर्स में आपका कॉटन है, ऊल है, सिल्क है, जो कि प्लांट और एज वेल एज एनिमल्स से मिलता है, एंड सिंथेटिक फाइबर्स जो है उसको हम बनाते हैं, मैन मेड है, इट इज़ नॉट फाउंड इन द नेचुरल, द सब्सटेंसेस मे बी द नेचुरल बट इसको हमें बनाना पड़ता है, जैसे रेयान है, नाइलॉन है, अभी हम आगे वाले चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे। यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स। जैसे कि कॉटन है आपका, ये प्लांट से मिलता है, ऊल और जो है सिल्क है, ये जो है ऊल जैसे कि एनिमल से जो है आपका मिलता है। तो द सिंथेटिक, और तो ये जो है आपका नेचुरल फाइबर्स में आ जाएंगे। और सिंथेटिक फाइबर्स में क्या है, द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक आर मैन मेड फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स जो है ये मैन मेड है, इसको हम बनाते हैं, इसीलिए इसको हम जो है आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं और मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। इसमें रेयान और नाइलॉन जो है आता है। अब हम फाइबर्स जो है पहले ये समझेंगे कि ये फाइबर्स जो है, जैसे कि अभी हमने बोला कि ये सब कपड़े जो है फैब्रिक्स के बने होते हैं और वो फाइबर्स के बने होते हैं, तो ये एक्चुअली ये फाइबर्स जो है होते क्या हैं। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, आर ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन एज इन फिगर, आप लोगों के जो कि बुक्स में दिया गया है। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? ए सिंथेटिक फाइबर
फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस। मैनी सच स्मॉल यूनिट कम्बाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पोलीमर। तो ये जो है फाइबर जो है स्मॉल यूनिट है जो है, जैसे कि ये जो है आप लोग जैसे देखते हैं, ये मान लीजिए कि ये जो है नेकलेस है, ठीक है, इसमें स्मॉल बीट्स होते हैं छोटे छोटे, तो इससे बन के जो है ये जो है नेकलेस बना हुआ है, माला बना हुआ है। तो ये स्मॉल जो इसके जो है एक एक जो है पार्टिकल्स हैं, इसको जो है आप जो है फाइबर्स जो है बोल सकते हैं, स्मॉल यूनिट्स जो है इस फाइबर्स को हम बोल सकते हैं। एंड इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस। ये क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है, छोटे छोटे जो है केमिकल सब्सटेंस, जैसे ये छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस जो है मिल करके जो है आपके पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीमर। तो यहाँ से दो हमें डिफिनीशन मिल गया कि व्हाट इज़ फाइबर्स। तो फाइबर्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द पॉलीमर्स विच आर कम्बाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर। तो इसका ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टूगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेज। मैनी सच यूनिट कम्बाइंड टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर्स कम्स फ्राम टू ग्रीक वर्ड, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट, मतलब कि बहुत पार्ट से जो है मिल करके। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो ये जो है बहुत रिपीटिंग यूनिट्स से मिल के बना होता है। तो पॉलीमर आकर्स इन नेचुरल नेचर आल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेल्युलोज। सेल्युलोज इज मेडअप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब इस सिंथेटिक फाइबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो इस सिंथेटिक फाइबर्स के जैसा कि हमने डिस्कस किया है, इस सिंथेटिक फाइबर के जो है दो जो है टाइप्स होते हैं, एक रेयन है और एक जो है नाइलॉन है। एक एक को हम डिस्कस करेंगे। यू हैव रेड इन क्लास सेवेंथ दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम सिल्क वर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना में जो है सिल्क वर्म का डिस्कवरी हुआ था और उन्होंने बहुत दिन तक उसको जो है अपनी जो है जो टेक्नोलॉजी को जो है छुपा करके रखे थे। एंड वॉज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। फैब्रिक ऑब्टेंड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कास्टली। उससे जो हमें जो सिल्क मिलता था वो बहुत कास्टली था, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। लेकिन उसका जो बनावट था वो सबको जो है आकर्षित करता था, लेकिन जो है उतना कास्टली सब लोग एफर्ड नहीं कर सकते, और लार्ज पॉपुलेशन को कवर करने के लिए जो है हमें ज़्यादा जो है फाइबर्स की जो है ज़रूरत पड़ेगी जो है, तो उसके लिए हम केवल उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। सच फाइबर वॉज ऑब्टेंड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड वुड पल्प। केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड, ये वुड पल्प क्या होता है, ये जो है आपका लकड़ी जो है जब भी हम पेड़ को काटते हैं उसके बीच वाला जो पोर्शन जो होता है, ऐसे उसके लेयर्स होते हैं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, दैट बीच वाले पोर्शन को हम जो है पल्प बोलते हैं। ये थोड़ा जो है कंपेरेटिव इट इज सॉफ्ट होता है, तो यही जो है पल्प को जो है हम यूज़ किए, ठीक है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इसी को जो है वुड पल्प से जो बना उसको हमने नाम दिया रेयन, और इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ऑल दो रेयन इज ऑब्टेंड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर। दो ये जो है हमें जो है नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, लेकिन इसको हम मैन मेड बोलते हैं क्योंकि इसको हमें प्रोसेस करके जो है बनाना पड़ता है, क्योंकि ये वुड पल्प से जो है हम बनाते हैं। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक ए
सिल्क फाइबर, और ये जो है सिल्क फाइबर की तरह इसको हम बुन सकते हैं। इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स, और हम इसको कलरिंग भी कर सकते हैं, वेराइटी मतलब डिफरेंट कलर में जो है कलर कर सकते हैं, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। रेयान इज मिक्स्ड विद काटन टू मेक बेडशीट आर मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट। अगर रेयान को जो है इसमें हम कॉटन मिला करके जो है इससे हम बेडशीट वगैरह जो है बनाते हैं, ठीक है, और इसी में अगर हम ऊल मिला देंगे तो ये जो है कारपेट वगैरह जो है उससे हमें बनाते हैं, ठीक है, कारपेट्स वगैरह। तो ये जो है रेयान का है। अब जो है नाइलॉन, तो इस चैप्टर में हमने ये इस पार्ट में हमने ये कवर किया कि फाइबर क्या है एंड व्हाट इज़ पॉलीमर क्या है, नेचुरल फाइबर्स क्या है, सिंथेटिक फाइबर क्या है, ठीक है, और रेयान क्या है, व्हाट इज़ रेयान एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, जो है रेयान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये किस चीज़ से बनता है, उसमें अगर हम कॉटन को मिक्स करते हैं तो क्या क्या बनता है, और उसमें हम ऊल को मिक्स करते हैं तो क्या क्या बनता है। अब हम आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे नाइलॉन कि एक्चुअली नाइलॉन क्या है और ये कैसे जो है इसका फंक्शन है, क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो नाइलॉन इज़ एनादर मैनमेड फाइबर। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट आर एनिमल्स। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो नाइलॉन जो है किस चीज़ से स्टार्ट हुआ 1931 में जो है, ये आपका कोल, वाटर और विद द हेल्प ऑफ एयर से जो है नाइलॉन बना। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रांग, इलास्टिक एंड लाइट। इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है और इलास्टिक होता है और लस्ट्रस भी होता है। लस्ट्रस मतलब चमकीला, एंड बहुत वेट होता है। इट कैन ईजली इसको हम जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जो है अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो इसको लेके जा सकते हैं, ईजी टू वॉश। तो ये जो है इसके प्रॉपर्टी हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। तो ये प्रॉपर्टी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रांग, इलास्टिक, लस्ट्रस और लाइट जो है ये बहुत फेमस हुआ ये क्लोथ्स बनाने के लिए। We use many articles made from nylon, such as socks, ropes, tents. जो है ये बहुत जो है जैसे कि socks में इसी का हम बनाते हैं, ropes भी आप लोगों ने देखा होगा, nylon के जो है ropes होते हैं, tents भी होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, toothbrushes जो है nylon के होते हैं, कार सीट्स, बेल्ट सीट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो है इससे हम नाइलॉन से जो है बनाते, वेराइटी ऑफ थिंग्स जो है वी आर मेकिंग विद द हेल्प ऑफ नाइलॉन, विद द नाइलॉन। नाइलॉन इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। आप लोगों ने देखा है पैराशूट्स जो है उसकी रस्सियाँ बहुत मजबूत होनी चाहिए होती है, क्योंकि अगर वो टूट जाएगा तो फिर जो है डेंजरस हो जाएगा इंडिविजुअल के लिए। और रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग में जो है जैसे कि रस्सी फेंक करके उसको इंगेज करते हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ दैट इंगेजमेंट जो हम ऊपर की तरफ जो है क्लाइंब करते हैं रॉक क्लाइंबिंग, तो वो रस्सी भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो जो है उसमें इंडिविजुअल का जो है डेथ हो सकता है। तो ए नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। यू विल सरप्राइज कि नाइलॉन जो है स्टील वायर से भी जो है स्ट्रांग होता है। जो स्टील वायर होता है जैसे सेम सरकमफेरेंस का, सेम थिकनेस का जो है अगर आप नाइलॉन लें और एक स्टील वायर लें तो ये नाइलॉन जो स्ट्रांगर देन जो है स्टील से होगा, इट इज़ द प्रूवन। और आप लोगों की बुक में एक एक्टिविटी जो है 3.1 जो है दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसका जो है यही उसमें कॉटन से बने हुए थ्रेड, उल से बने हुए थ्रेड, सिल्क से बने हुए थ्रेड एंड नाइलॉन से बने हुए थ्रेड्स को कंपेयर करके उस पर वेट जो है
चार जो है बांध करके और अकॉर्डिंगली जो है वेट उस पर रखते जाना है, और उसमें जो स्ट्रांग होगा तो फाइनली जो है रिजल्ट जो है आप लोगों का यही नाइलोन जो है निकल के आएगा कि नाइलोन इज़ द स्ट्रांगेस्ट। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज के जितने भी आंसर्स हैं उसको हमने जो है अपने साइट fullexpand.com पे अपलोड कर दिया है। वहाँ से जाकर के आप जो है क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।